हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बनारसी जायका में। आज हम बनाने वाले हैं बनारस की फेमस बैंगन का भरता। इसे बैंगन का चोखा भी कहते हैं। इसे आप दाल चावल के साथ खाइए, बाटी के साथ खाइए, सत्तू के पूड़ी के साथ खाइए। ये सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बिल्कुल भी आसान है, बहुत ही झटपट बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का जो है कि बैंगन लिया है और इसके साथ ही जो है कि मैंने 3 टमाटर लिए हैं। अगर बैंगन का साइज़ बड़ा है तो आप 3 टमाटर लीजिए, छोटा है तो 2 करिए, आप अपने हिसाब के साथ उसे कर सकते हैं। तो अब इसे क्या करना है, हमें बीच से कट करना है और इसके अंदर हमें हींग और जीरा का भरना है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बैंगन जो है चारों तरफ से घुमाकर देख लीजिए, पहले तो ये हल्के होने चाहिए और दूसरी इसमें कभी भी कहीं छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, इससे ये पता चलता है कि इसमें जो है कि कीड़े वगैरह नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है, अब इसके अंदर जो है कि मैं थोड़ी हींग भरूंगी। इस तरह से उंगली डालकर मैंने थोड़ा गैप किया है और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा हींग डाला। अब इसमें जो है कि थोड़ा मैं जीरा भी डालूंगी। इससे क्या होता है ना कि बैंगन की वजह से जो पेट में गैस बनते हैं वो गैस वगैरह नहीं बनेंगे। हींग और जीरा दोनों ही फायदेमंद होते हैं तो इसलिए इसमें जरूर भरना चाहिए। और उसके बाद हाथों में थोड़ा तेल लगाकर इसे ग्रीस करना चाहिए, बैंगन में अच्छे से लगा देना चाहिए, टमाटर में भी अच्छे से लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि इसकी स्किन जो है आराम से जो है भुनने के बाद निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने इस तरह से इसे ग्रीस कर दिया है। अब इस तरह का जो है कि स्टैंड आता है, ये सीखने के लिए ही होता है बैंगन वगैरह को, तो इस पर क्या करना है, हमें बैंगन लगाना है, टमाटर डालना है और इसे तेज़ आँच पर या मीडियम आँच पर अपने हिसाब से ही जो है गैस पर रखकर हमें भुनना है और इसे उलट पलट करते हुए हमें इसे लगातार भुनते रहना है जब तक कि बिल्कुल ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक बैंगन भुना है, इसके साथ 3 टमाटर लिए हैं। अभी मुझे एक बैंगन और भुनना है, उसका साइज़ जो है कि थोड़ा छोटा है, तो उस हिसाब से जो है कि मैं टमाटर जो है एक ही लूँगी। आप अपने हिसाब से बैंगन और टमाटर का जो है कि रेशियो बना सकते हैं, किस तरह से खट्टा रखना है, कितना रखना है, टमाटर के साइज़ और बैंगन के साइज़ पर डिपेंड करता है। ये देखिए हमारे बैंगन जो है टमाटर मैंने इस तरह से उलट पलट कर भून लिए हैं। तब तक जो है कि हम इसके लिए ये अदरक मिर्च और लहसुन लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है कि 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 7-8 हरी मिर्च ली है जो कि पतले पतले होने चाहिए और 1 इंच अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है। अब इसे क्या करना है, हमें बारीक टुकड़ों में काटना है। आप चाहें तो इसे दरदरा मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका जो है कि कटिंग करूँगी, पतले पतले बारीक टुकड़ों में इसे काटूँगी, जिससे कि ये चोखे का टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है और मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके क्रंच। तो ये देखिए हमारा बैंगन जो है अच्छे से भुन चुका है। अब इसे क्या करना है, ये देखिए दोनों तरफ से हर तरफ से दबाने के बाद क्या है, सॉफ्ट हो गए हैं। उलट पलट करके देख लीजिए कि अच्छे से एकदम ये सॉफ्ट हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा बैंगन अच्छे से पक चुका है। बाकी के बैंगन और टमाटर भी हम इसी तरह भून लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 बैंगन लिए हैं, उसके साथ ही जो है कि मैंने यहाँ पे 2-2 आलू लिए हैं, एक बैंगन के पीछे 2 आलू। आप आलू अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल मैंने 4 टमाटर लिए हैं। बैंगन का साइज़ मेरा छोटा था इसलिए मैंने टमाटर भी जो थोड़ा बड़े साइज़ का ले लिया है। इस तरह से आप रेशियो बना सकते हैं। अब इसे क्या करना है, हमें अच्छे से मैश करना है। भुनने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा कटिंग करके देख लिया है कहीं कीड़े तो नहीं है, जबकि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि बैंगन में छेद नहीं है तो कीड़े के चांसेस नहीं हैं। अब यहाँ देखिए इस आलू को मैंने क्या किया है, अब इसको जो है ना हम मैश करेंगे, लेकिन बहुत बारीक नहीं, हल्का थोड़ा खड़ा खड़ा ज़रूर होना चाहिए, इसलिए अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए इस तरह से, और ये जो टमाटर है इसको भी हम मैश करेंगे अच्छे से, और इसके अंदर जो ये मोटा वाला पार्ट होता है ये पका हुआ इतना नहीं होता है तो बस इसे हमें यूज़ नहीं करना है, इसे निकाल कर हमें जो है कि फेंक देना है और बैंगन को भी इस तरीके से मैश कर देना है। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को हम लोगों ने मैश कर दिया है अच्छे से। यहाँ पर बैंगन टमाटर आलू सब अच्छे से मैश हो गया है, एकदम बारीक नहीं, हल्का मोटा मोटा ही रखा है। और ये जो टमाटर के मोटे वाले पार्ट्स थे ना इसे हमें यूज़ नहीं करना है, इसे फेंक देना है। अब यहाँ पे जो हमने अदरक मिर्च और लहसुन को काटा था इस तरह से बारीक टुकड़ों में, इसे अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने बारीक बारीक काटा है, ये मुँह में जब आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, इसका क्रंचीनेस जो है बहुत अच्छा लगता है। ये आपके पसंद पर डिपेंड करता है कि आप इसे पीस कर डालना चाहते हैं, दरदरा डालना चाहते हैं या फिर काट के। मैंने यहाँ पर इसे काट कर ही यूज़ किया है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं इसमें जो है कि यूज़ करूँगी, आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया कटा हुआ लिया है, उसे ऐड करूँगी।
स्वाद अनुसार यहाँ पर थोड़ा मैं नमक यूज़ करूँगी, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच के बराबर सरसों का तेल यूज़ करूँगी। आप तेल जो है कि इतना डालिए कि कम से कम इसमें जो है कि चोखे में मिक्स करने के बाद चमक आए, एक अलग ही शाइन आए, ठीक है। इसे इस तरह से डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा इसको मसलना नहीं है, हल्के हाथों से बस हमें इसे मिक्स करना है और हमारा चोखा जो है बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा चोखा जो है चीज़ बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें देख रहे हैं आप, तेल इतना डालिए कि मतलब चमक इसमें आए, कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही तेल डाल दीजिए, 4 चम्मच काफ़ी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पास से देखिए, एक चोखे में जो है ना अलग ही ग्लेज, एक अलग ही चमक है, शाइन है। इस तरह का चोखा होना चाहिए, इससे टेस्ट जो होता है ना बहुत ही अच्छा आता है, एकदम चटपटा सा झन्नाटेदार एकदम चोखा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है चोखा बनाना, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब आप इसे जो है कि सत्तू की पूड़ी, सत्तू की बाटी, नॉर्मल बाटी के साथ खाइए, गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खाइए, हड़िया के दाल चावल के साथ खाइए, ये सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ तक कि सिंपल रोटी के साथ भी अगर आप घी लगा कर खाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।